कितने लोग मरे हैं, पर आप बोल रहे हैं ये जो ट्वीट प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया अमन शांति की बात किया उन्होंने, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँगी, वो डिजर्व नहीं करते इस डेजिग्नेशन को। नरेंद्र मोदी ने जो अमन शांति की ट्वीट की है वो वही तरीका है जो 3 दिन के बाद आप ट्वीट कर रहे हैं, वैसे ही जैसे आपने गुजरात के वक्त में 3 दिन के मोहलत के बाद आर्मी भेजी थी। तो आप एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम आपको जानते हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ संसद से गिराए नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल में दिखेंगे एक दिन आपको, मैं आज लिख कर कह रही हूँ, मेरा देखना होना दे। वो पेड़ है जो फल देते हैं और फल वाले पेड़ झुकते हैं, तो हम दो कदम पीछे जाएंगे वापस आएंगे। हम टूट सकते हैं, हम बिखर नहीं सकते सर। अगर आपको लगता है कि प्रदर्शन खत्म हो गए तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रदर्शन जितना चल रहा था ना इस देश में, इसका 3 गुना बढ़ेगा, और उसमें हिंदू अब इस बार ज़्यादा आएंगे, आप देखिए ज़रा। क्योंकि अब एक मैं किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, किसी हिंदू कम्युनिटी या किसी की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हिंदूज भी उठ के आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के ज़मीर सोए हुए थे, वो जाग जाएंगे। मरे हुए ज़मीर का हम कुछ नहीं कर सकते, पर सोए हुए ज़मीर ज़रूर जागेगा। दिल्ली पुलिस ने खुद एक मिसाल दी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो हम लॉ स्टूडेंट लॉ में पढ़ते हैं स्टेट टेररिज्म, दिल्ली पुलिस मिसाल है स्टेट टेररिज्म की सर। और रही बात कपिल मिश्रा की, जब टेररिज्म की बात आएगी, आतंकवाद की बात आएगी, तो कपिल मिश्रा का सबसे ऊंचा नाम लिया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, और वो जेल में भी एक दिन हमको दिखेंगे। क्योंकि एक तो बीजेपी काउंसलर भी थे जिन्होंने बचाई है एक फैमिली की जान, तो किसी का ज़मीर है तो वो बचाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही सारे बीजेपी के लोग वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका ज़मीर जागा, मैं कह रही हूँ ना, जो सोए हुए ज़मीर है वो जागेंगे, जो मरे हुए ज़मीर है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। धर्म कतरे के नाम पे ना आपने बहुत दंगे कराए, ये कोई पहली बार नहीं है। गरीबी पिटता है, दंगा हो तो वही पिसता है, और गरीब से सिर्फ सिविलियन नहीं होता सर, जबकि दिल्ली पुलिस स्टेट टेररिज्म कर रही है, पर जो हेड कांस्टेबल मरा है वो भी गरीब है, ठीक है? तो जो मरता है वो फुट सोल्जर होता है या तो, या सिविलियन होता है। इन सरकारी हुक्मरानों को कुछ नहीं होता है, इनके बच्चों को कुछ नहीं होता है, तो मैं इनके साथ पूरी साथ हूँ। जब जब इनके भी इनके साथ जुल्म का वो पार्ट बन जाते हैं, जब दिल्ली पुलिस का भी कोई इंसान मरता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। वैसे ही जो सिविलियंस मरे हैं हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि गरीब मरता है, तो हाँ गरीब मरेगा, CANPR में भी गरीब ही मारा जाएगा, और ये एंटी गरीब है, इसलिए उन्होंने गरीबों की तरफ ही दीवार लगाई है गुजरात में भी। और अगर ये दीवार बहुत सालों पहले लग जाती तो कोई फ़कीर से प्रधानमंत्री ना बनता। पर जो जय श्री राम के नारे आप लगाते हैं, मैं बचपन में राम को ही पूछती थी, और मेरे हिसाब से तो वो कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं थे राम की जो किसी के ऊपर हाथ भी उठा सके। तो आपने जो जय श्री राम करके इसको वॉर क्राई बना दिया है कि कोई भी सुने तो डर लगता है, तो मैं उनको बस यही कहूँगी कि राम ऐसा अगर देख रहा होगा तो आपके नाम पर, आपके हरकतों के नाम पर वो ज़रूर शर्मिंदा हो रहा होगा, आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और अगर हिंदू को कहीं से खतरा है, या हिंदुइज़्म को खतरा है, तो आपके हिंदुत्व से खतरा है, हिंदुइज़्म को खतरा है, तो आप जैसे लोगों से खतरा है जो उसको इस्तेमाल करके लोगों को मारते हैं। क्योंकि अगर कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई रब है ना इस संसार में, तो वो इंसानों में फ़र्क नहीं करता, आप फ़र्क करते हैं। शायद आपने कोई भगवान ऐसा बनाया हो, पर भगवान ने आपको अगर बनाया है तो वो लोगों में फ़र्क नहीं करता है।